रिप्लेसमेंट बाय पोटेशियम। इसमें क्या करना है हमें बच्चे, पोटेशियम क्लोराइड है हमारे पास जिसका सिंबल होता है KCl, ठीक। ये है K2CO3 को हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक। पोटेशियम कार्बोनेट को हमने किसके साथ ऐड किया है, 2 moles ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, 2 moles ऑफ पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इक्वेशन दोनों तरफ बैलेंस है, जितने के इधर हैं उतने ही के इधर हैं, जितने सी इधर हैं उतने सी इधर हैं, ठीक है। क्लोरीन भी आपकी इक्वेशन बैलेंस है, इट मीन्स ये इक्वेशन सही है। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो इक्वेशन में कहीं ना कहीं गलती है। तो हमेशा ये खुद से भी देखना है आपने, कई बार हो जाता है कि आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 नहीं लिखोगे तो पोटेशियम बैलेंस नहीं होंगे, इधर तो 2 पोटेशियम है, ठीक है, इधर 1 ही रह जाता है, तो ये चेकआउट भी करना होता है। हम ये रिएक्शन किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम प्रिपेयर कर सकें, बना सकें, किसे, पोटेशियम क्लोराइड को। कैसे बनाया, हमने पोटेशियम कार्बोनेट लिया और उसमें हमने ऐड किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फाइनली हमें प्रोडक्ट मिल गया पोटेशियम क्लोराइड। वाटर तो एज़ निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो उड़ जाएगी अपने आप, वाटर अलग निकल गया और फाइनली हमें इस किससे मिलता है, मतलब है सिर्फ इससे, पोटेशियम क्लोराइड से, क्लियर है। यही प्रेपरेशन, इस पोटेशियम क्लोराइड को हम दूसरे प्रोसेस से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, पोटेशियम बाइकार्बोनेट लिया, देखो यहाँ पे ये क्या था, पोटेशियम कार्बोनेट, दिस इज पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस इसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया, हमें फाइनली प्रोडक्ट क्या मिला, पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शन है, इनमें से आप कोई भी जो आपको इजी लगे वो 1 कर सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है, क्लियर है सभी को। बी फॉर्म फर्स्ट ईयर, ठीक है बच्चे। अब मार्केट में पोटेशियम की कौन कौन सी प्रेपरेशंस आती हैं, अब हमें वो पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट पे पोटेशियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज IV, IV means I stands for intra, V stands for venous, intravenous means veins में जो आपको इंजेक्शन veins में लगाए जाते हैं उनको हम intravenous बोलते हैं। Infusion means जैसे क्या होता है कि ग्लूकोज लगाई जाती है, तो ग्लूकोज लगाते टाइम कैन्यूला लगाते हैं ना सबसे पहले, ठीक है, कैन्यूला में ही इंजेक्शन लगा दिया जाता है, ठीक है, ग्लूकोज वाली पाइप हटा के उसमें ही इंजेक्शन लगा देते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं इन्फ्यूज़न, कि इन्फ्यूज़न लगा दे ताकि ग्लूकोज के साथ साथ जैसे नॉर्मल सलाइन लगाते हैं, डेक्सो सॉल्यूशन लगाते हैं, उसके साथ साथ ही आपको जो ये पोटेशियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है वो स्लोली आपकी बॉडी में जाता रहे, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि एकदम से चला गया, आपके जो ड्रिप लगाई गई है आपको उसके साथ स्लोली आपकी बॉडी में वो रिलीज़ होता रहेगा और अपना थेरापेटिक इफ़ेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो BP ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे भी क्या है कि इंजेक्शन कंटेन्स पोटेशियम क्लोराइड, इस इंजेक्शन में पोटेशियम क्लोराइड कितना है, 95 से 105%, एंड ग्लूकोज कितना है, 95 to 105 ऑफ दी स्टेटेड अमाउंट IV इन्फ्यूज़न, मीन्स इंट्रावेनस दे रहे हैं तो इतनी क्वांटिटी मैंडेटरी है। कंटेन्स 0.15, 0.2, 0.3, ये तीनों ही कंसंट्रेशन आप ले सकते हो, लेकिन कैसे ले सकते हो, वेट बाय वॉल्यूम, किसकी, पोटेशियम क्लोराइड की, ईच कंटेन 5% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज, क्लियर है सभी को, क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे देखो, यहाँ पे है पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज, ठीक। यहाँ पे IV इन्फ्यूज़न दे रहे हैं हम, किसका, ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, इसमें पोटेशियम आयोडाइड कितना है, इतने परसेंट हो सकता है वेट बाय वॉल्यूम, सोडियम क्लोराइड इतनी परसेंटेज में हो सकता है वेट बाय वॉल्यूम, और ग्लूकोज इतने में हो सकता है, ठीक है। तो लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है, क्लियर है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चे, नेक्स्ट हेडिंग डालो, कौशिंद्र अपना माइक ऑफ करो, कौशिंद्र शर्मा,
कोशेंद्र बच्चे अपना माइक ऑफ करो। राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस राइट डाउन बॉडी फ्लूइड्स हैव बैलेंस्ड क्वांटिटीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस फुल स्टॉप। These quantities are essential. These quantities are essential for the biochemical reactions. Taking place in the living are very sensitive to even small changes in acidity or alkalinity. Done? Yes, ma'am. ठीक है बच्चे, तो आपने यहाँ पे जो लिखा है उन लाइंस का मीनिंग है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड्स होते हैं उसमें एसिड्स भी होते हैं और बेसिस भी होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सभी के लिए इन एसिड्स और बेसिस की ज़रूरत होती है, नहीं तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। डाइजेशन भी आपका एक केमिकल प्रोसेस ही तो है, जिसके अंडर आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है, और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं। जैसे आपने बहुत सारे ग्लूकोज पाथवे, ग्लूकोनियोसिस पाथवे पढ़ा है, और सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ा है आपने, और यूरिया साइकिल पढ़ा है। ये सभी क्या होते हैं? आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिन्हें हम बायोकेमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो इनमें कौन काम करता है? एसिड्स एंड बेसिस। इसीलिए आपकी बॉडी के अंदर जो है एसिड्स एंड बेसिस का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है तो उसे बेसिक करना बहुत ज़रूरी होता है, अगर बेसिक ज़्यादा एनवायरनमेंट होता है तो एसिड इनटेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जितने भी आपके ये बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, वो लिविंग इन नेचर होते हैं और बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। किसके सेंसिटिव होते हैं? फॉर दी एसिडिटी और एल्केलिनिटी, कि अगर ज़्यादा एसिड हो गया तो भी आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो जाते हैं, और अगर एल्केलिनिटी हो गया तो भी वो हार्मफुल होता है आपकी बॉडी के लिए। ठीक है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, इनडाइजेशन हो जाएगा अगर ज़्यादा बेसिक की नेचर हो गया आपका स्टमक का एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे कह रहे हैं फिजियोलॉजिकल, जो आपका टॉपिक का नाम है फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, कि आपकी बॉडी के अंदर कितना होना चाहिए एसिड और कितना बेस होना चाहिए, और उनमें अगर बैलेंस करना है तो उनको मेनटेन कैसे करना है अकॉर्डिंग टू देयर pH लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे लाइन में लिखो यूरिन। यूरिन की pH कितनी होनी चाहिए आपकी बॉडी में? यूरिन के सामने लिखो 4.5 to 8.0।
4.5 to 8.0, आपके यूरिन की पीएच 4.5 से लेके 8 तक हो सकती है, ठीक है। नीचे लिखो ब्लड, हाँ जी वाटर तो बच्चे न्यूट्रल होता है, 7 होती है उसकी, सभी को पता है न्यूट्रल होता है ना, कभी उसमें लिटमस पेपर डाल के देखना पानी में। प्लस टू लेवल पे पीएच चेक की थी सभी की, एसिड्स की बेसिस की लैब में। करके देखा था बेटा? नो मैम, करवाई नहीं किसी ने, कराई नहीं। चलो कोई नहीं, आप यहाँ लैब में आओगे तो, कॉलेज आओगे तो पीएच देखना, ठीक है। पीएच स्ट्रिप होती है, पीएच स्ट्रिप देखी है सभी ने? यस मैम, ठीक है। पीएच स्ट्रिप लेते हैं हम, कोई एसिड या बेस वाला सोल्यूशन लेते हैं, जैसे बेस में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का ले सकते हो, एसिड में आप क्या ले सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हो, तो उनमें पीएच स्ट्रिप डाल के देखना है। जो एसिड होगा वो रेड कलर का लिटमस पेपर हो जाएगा, अगर बेसिक होगा तो वो ब्लू कलर का रहेगा, ठीक है। और जो पानी होता है पानी में भी डाल के देखना, वो ऐसा ही रहता है एज इट इज़, ठीक है। इट मीन्स कि आपका जो पानी है वो न्यूट्रल इन नेचर है और उसकी पीएच हमेशा 7 होती है। ब्लड के लिखो, ब्लड 7.4 से लेके 7.4 टू 7.5, 7.4 से 7.5, अगर इससे आपकी पीएच कम हो जाती है 7.4 से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मीन्स आपके जो ब्लड की पीएच लेवल है वो कम होता है तो उससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, मीन्स पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। थर्ड पे लिखो, थर्ड लाइन पे गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस आपके स्टमक में होता है, गैस्ट्रिक जूस जो आपने खाना खाया है वो खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है तो वो जूस फॉर्म में जाता है ना आपकी बॉडी के हर एक पार्ट तक थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस की पीएच लिखो 1.5 to 3.5, 1.5 to 3.5, एसिडिक इन नेचर है, पीएच से पता चल रहा है ना, 1.5 से 3.5 एसिडिक नेचर है। क्यों? क्योंकि हम बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं, जब तक हमें तीखा ना लगे, ठीक है, और सोर टेस्ट ना आए, खट्टा टेस्ट ना आए, हमें खाना अच्छा ही नहीं लगता, तो इसी वजह से वो जो स्टमक में हमारे गैस्ट्रिक जूस जाता है वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है। नेक्स्ट नीचे लाइन में लिखो सलाइवा, सलाइवा SALIVA, सलाइवा मीन्स आपकी टंग के पास जितना भी लिक्विड मटेरियल है ये सलाइवा होता है, ठीक है। इसकी पीएच कितनी चाहिए, 5.4 to 7.5 तक होनी चाहिए। नेक्स्ट नीचे लाइन में लिखो बाइल, बाइल 6.0 to 8.5 तक होना चाहिए, मतलब 6 to 8.5, 6.0 to 8.5। मैम बाइल होता क्या है? बच्चे बाइल पिगमेंट्स होते हैं, आपको हैप वाली मैम बताएंगे, ठीक है, ये भी आपकी बॉडी के अंदर ही होते हैं, ठीक है। बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं बच्चे, वो आपकी बॉडी के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कि अगर कोई बच्चा डार्क कलर का है तो वो भी पिगमेंट्स की वजह से होता है, वो मेलानिन जो होते हैं, ठीक है। अगर फेयर कलर है तो वो भी उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं,
याद था कि मैं बाजू पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो द पीएच ऑफ फ्लूइड्स, द पीएच ऑफ फ्लूइड्स इनसाइड एंड आउटसाइड सेल्स should remain almost constant. Should remain almost constant due to the presence of buffer systems. Done? ठीक है बच्चे, तो इस लाइन का मीनिंग क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड्स हैं उनका जो पीएच है वो बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो हम बफर्स यूज़ करते हैं, बफर सॉल्यूशंस जो आप पीछे पढ़ चुके हो, ठीक है। वो बफर सॉल्यूशंस क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जितना भी पीएच होता है उसे मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि उसे कॉन्स्टेंट रखते हैं, उसे चेंज नहीं होने देते। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो द फंक्शन ऑफ ए बफर सिस्टम, द फंक्शन ऑफ ए बफर सिस्टम इज टू कन्वर्ट स्ट्रॉन्ग एसिड्स and bases into weak acids and bases. Done? ठीक है बेटे, तो इस लाइन में आपने क्या लिखा है कि हम जितने भी बफर्स यूज़ करते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं, ताकि आपकी जो स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वीक एसिड में और वीक बेस में, मीन्स वो डाइल्यूट फॉर्म में हो जाए। ठीक है, अगर डाइल्यूट हो जाएंगी तो उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। क्लियर है, इज इट क्लियर बी फ्रॉम फर्स्ट ईयर? यस मैम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लाइन में लिखो, राइट डाउन इन द नेक्स्ट लाइन, इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑल्सो नोन टू प्ले अ वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग, वाइटल रोल मीन्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग द बॉडी फ्लूइड्स to maintain the acid base balance.
टू मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस. दिस बैलेंस, नेक्स्ट लाइन में लिखो, दिस बैलेंस this balance could be maintained by controlling hydrazine कैसे लिखोगे, caps lock में H लिखोगे और उसके ऊपर positive charge, ठीक है, caps lock में H और उसके ऊपर positive charge, hydrogen ion concentration of body fluids. comma, specially especially extracellular fluids. Done? तो इन लाइन्स में आपने क्या लिखा है बेटा कि हम ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस यूज करते हैं ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी में जो एसिड बेस का बैलेंस है उसको मेंटेन कर रहे हैं, ठीक, और ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की कितनी कंसंट्रेशन है. अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपको बताया अगर जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा हमारी बॉडी में उतना ही ज़्यादा वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो एसिडिक के नेचर होगा. अगर ज़्यादा एसिडिक के नेचर हुआ तो उससे क्या होता है, हमारे स्टमक में अल्सर्स हो जाएंगे, हमारी जो वेन्स हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो सारे के सारे अल्सर्स फॉर्म में आके फट जाएंगे, ठीक है, और वो कंडीशन ऐसी होती है जस्ट लाइक दैट कि किसी ने जो पॉइजन है वो एंगल्फ कर लिया हो. कई बार क्या आपने देखा होगा पेशेंट क्या करते हैं, पॉइजन इंसर्ट कर लेता है, पॉइजन खा लेता है, चाहे वो एक्सीडेंटली हो, चाहे वो उसकी मर्जी से हो, कुछ भी हो सकता है. अगर वो कहीं ऐसी जॉब करता है जहाँ पे पॉइजन वगैरह बनाया जाता है तो भी वो एक्सीडेंटली उसकी बॉडी में चला जाता. तो रीज़न कोई भी हो सकता है, अगर किसी विक्टिम की जो है पर्सन की बॉडी में पॉइजन चला जाता है तो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सब फट जाता है. और कई बार क्या होता है कि बहुत हड़बड़ी में उसे बोला जाता है कि आप वॉमिटिंग कर दो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. वॉमिटिंग करने से फिर वो जो पॉइजन है वो दोबारा से उसी प्रोसेस से, उसी वे से बाहर आएगा तो और ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है. तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपकी जो फूड पाइप होती है वो सारी की सारी फट जाती है अंदर से, ठीक है, रप्चर हो जाती है. तो उस कंडीशन में होता है कि अल्टीमेटली उसकी डेथ होनी ही होनी है. तो हमेशा ही क्या करना चाहिए, ऐसे जो एक्टिवेटेड चारकोल वगैरह है वो उसे देना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा जैसे 1 glass वाटर में 4 जो चम्मच होते हैं नमक के घोल के वो उसे पिलाने चाहिए, ताकि जो आपका पॉइजन है वो इनएक्टिव फॉर्म में आ जाए और वो उसमें सॉल्युबल हो जाए और आपके जो स्टमक है, आपका जो इंटेस्टाइन है, उसके जो वहाँ का जो वॉल्स हैं, ठीक है, उनके कॉन्टैक्ट में ना आ पाए. अगर आएगा भी तो वो डल्यूट फॉर्म में पॉइजन होगा, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हम स्पेशली फिजियोलॉजिकल आयन्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को ज़्यादा नहीं होने देते, ताकि आपके स्टमक का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक की नेचर ज़्यादा ना हो. और हम ये और किस लिए भी करते हैं, ताकि हमारे जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं, जैसे RBC सेल्स हैं, तो उनका जो फ्लूइड है वो भी एसिडिक की नेचर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका भी मैंने आपको pH लिखवाया है, कितना लिखवाया है, ब्लड का 7.4 से लेकर 7.5 तक ही मेनटेन होना चाहिए. अगर वहाँ पर भी हाइड्रोजन कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई तो आपके RBC सेल्स जो हैं वो भी डेड हो जाएंगे, ठीक है. अगर आपके RBC सेल्स डेड हो गए तो इट मीन्स पर्सन जो है वो अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी. क्यों? क्योंकि RBCs के थ्रू ही तो आपका जो है गैस्ट्रिक जूस जाता है आपकी बॉडी के अंदर,
ठीक है, ऑक्सीजन भी उसी के थ्रू जाती है, अगर आप कोई मेडिसिन लेते हो तो वो भी ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ही जाती है। क्लियर है पी फॉर्म फर्स्ट ईयर, समझ आ रहा है सभी को? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया बच्चे।